औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का टॉपिक इंटीग्रेशन, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन के हम सबसे पहले हमें दो रूल्स पता होने चाहिए। फर्स्ट रूल ये है कि अगर एक फंक्शन विद सम पावर n है और उसी के साथ उसका डेरिवेटिव विदाउट पावर ऑफ दैट फंक्शन डेरिवेटिव मौजूद है, तो जब हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में वो फंक्शन अपनी पावर में वन एडिशन के साथ न्यूमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में उसकी पावर वन एडिशन के साथ आएगी। लेकिन याद रहे कि डिनोमिनेटर में कभी भी फंक्शन नहीं आएगा, सिर्फ उसकी पावर के अंदर वन ऐड कर देंगे और वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और न्यूमिनेटर में फंक्शन की उसी पावर में वन ऐड कर देंगे। इसकी दो कंडीशंस हैं कि एक तो फंक्शन की कुछ पावर होनी चाहिए, फंक्शन शुड हैव सम पावर n, और दूसरी कंडीशन यह है कि उसी के प्रोडक्ट में उसका डेरिवेटिव विदाउट पावर ऑफ दैट फंक्शन मौजूद होना चाहिए। तो जब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व, तो हमारे पास रिजल्ट में एक ये टर्म आ जाएगी और सेकेंड हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। कॉन्स्टेंट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब भी किसी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाता है विद सम वेरिएबल, रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, यहां मैं x दे रहा हूं, तो हमारे पास रिजल्ट में जीरो आ जाएगा। क्योंकि डेरिवेटिव इसका रिवर्स प्रोसेस है, तो रिवर्स प्रोसेस में जीरो तो हम यहां पे लिख नहीं सकते, प्लस जीरो लिखेंगे उसका फायदा नहीं है। इसलिए इसका मतलब कि इस इक्वेशन में जो इक्वेशन फाइंड करनी है या जो हमने फंक्शन फाइंड करना है, ये उसका डेरिवेटिव लिया गया है हमारे पास। और इंटीग्रेशन का यह मतलब है कि हमने इसका रिवर्स प्रोसेस करके हमने वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव -2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² के इक्वल है। अगर उसमें कोई कांस्टेंट आ रहा होगा तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, और वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हमने यहां पे नहीं लिखा, इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल में अगर एक फंक्शन न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है और फंक्शन खुद विदाउट एनी पावर डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो जब उसकी इंटीग्रेशन की जाएगी तो नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसकी दो कंडीशन, इसकी भी एक कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो विदाउट पावर होना चाहिए। अगर यहां पर कोई पावर आ जाएगी, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर इस तरह से लिख दूं, तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहां पर मैंने एक पावर इन्वॉल्व कर दी। याद रहे कि डिनोमिनेटर में फंक्शन विदाउट एनी पावर होना चाहिए, जबकि फर्स्ट रूल में हमारे पास पावर पहुंच सकती है और उसका डेरिवेटिव विदाउट पावर होगा, लेकिन सेकंड रूल में फंक्शन विदाउट पावर होना चाहिए, दूसरी बात फंक्शन डिनोमिनेटर के अंदर होना चाहिए, और तीसरी बात कि न्यूमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन की देखा जाए तो इसको मैं सबसे पहले रूल वन अप्लाई करने की इस पे कोशिश करूंगा। रूल वन हमें ये कहता है कि फंक्शन हमारे पास विद सम पावर n होना चाहिए और उसके साथ ही प्रोडक्ट में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब यहां पर अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूं, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज, मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म उठा के न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर रहा हूं, अगर ये स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब कि इसकी पावर 1/2 होनी चाहिए। जब ये पावर न्यूमिनेटर में चली जाएगी तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी और साथ dx। अब दोनों रूल्स मैं इसके ऊपर चेक करता हूं। फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे अगर, तो हमारे पास फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी टर्म पहले लिख रहे हैं कौन सी टर्म बाद में। अब फंक्शन है हमारे पास उस विद सम पावर n, हियर द पावर इज -1/2, हमारे पास पावर के साथ एक फंक्शन मौजूद है, उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं 4 - x² के साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ 4 - x² का, तो लाजमी बात है -2x आएगा,
ये हमारे पास माइनस टू एक्स आ गया। इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन में दोनों चीजें मौजूद हैं। पहली चीज हमें चाहिए थी फंक्शन विद सम पावर एक्स विद सम पावर एन, यहाँ हमारे पास फंक्शन भी आ गया, और सेकेंड चीज डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एंड विदाउट पावर। याद रहे कि डेरिवेटिव यहां पे जो होगा वो विदाउट पावर होना चाहिए। चलिए फर्स्ट रूल तो इस पे अप्लाई हो गया, हमने सेकंड रूल अप्लाई करने की कोशिश नहीं की, अभी अप्लाई करके देखते हैं कि वो अप्लाई हो सकता है या नहीं। सेकंड रूल अगर अप्लाई करना चाहें तो इसी एक्सप्रेशन को उठा लें। यहां पर इसमें सबसे पहला पॉइंट ही आ जाएगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो विद पावर है, और यहां पर जब मैंने कहा था कि फंक्शन की पावर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यहां पे तो फंक्शन की पावर आ गई। इसका मतलब कि सेकंड रूल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो फर्स्ट रूल ही हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल अप्लाई करने के लिए अब मैं मजीद प्रोसेसिंग करूंगा, बल्कि हमारा क्वेश्चन तकरीबन हल ही हो चुका है। अब इसको अगर मैं अरेंज कर दूं, 4 माइनस एक्स के पावर माइनस 1 बाई 2, दिस इज अ फंक्शन एंड माइनस 2 एक्स इज इट्स डेरिवेटिव। जब हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन की पावर में 1 इंक्रीज हो जाएगा। फंक्शन हमारे पास ये है, इसकी पावर को हमने इंक्रीज करना है। 4 माइनस एक्स के माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में पावर में 1 ऐड करके लिख देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में फंक्शन नहीं आएगा। माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, यहां तक तो हमने लिख लिया। अब वहां पर एक और चीज भी हमने डिस्कस की थी कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पर मैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख रहा हूं। अब इसको मजीद सॉल्व करें, इसी को मैं यहां प्रोसेस कर रहा हूं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, और डिनोमिनेटर में माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको अगर हम फाइनली लिखना चाहें तो इसका आंसर 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इनटू 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास इसका आंसर है।